आइए विद्यार्थियों, अपन आगे चलते हैं। अपना लास्ट जो दो वीडियो आए हैं, उन दो वीडियो में हमने आपको समांतर श्रेणी के बारे में समझाया था, और हर वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन भी सोल्व करने के लिए दे रहा हूँ। आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, मैं उनके आगे चलता हूँ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में 3 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर आपको 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा सेल्फ करने हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे। एपी का फॉर्मूला आपको लर्न है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक तो हमने पढ़ा था nth टर्म, nवा पद ज्ञात करने का सूत्र, वो था an इज इक्वल ए प्लस ब्रेकिट एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मतलब था अंतिम पद, लास्ट पद। ए का मतलब था प्रथम पद। एन का मतलब था उसमें कितने पद हैं, कौन सा पद निकालना है, पदों की संख्या। डी का मतलब है सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। और एक मैंने लिखाया था लास्ट पद से अंतिम पद, सॉरी अंतिम पद से एनवा पद निकालने का, वो था एल माइनस ब्रेकिट एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला कौन सा था मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ, अंतिम पद से एनवा पद, एनथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। एक मैंने लिखाया था सम ऑफ एन, एन पदों का योगफल निकालने का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रेकिट टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रेकिट फिर डी। इसका एक और लिखाया था मैंने एन बाई टू ब्रेकिट ए प्लस एल। इन फॉर्मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी मैंने। इन सभी फॉर्मूलों के ऊपर आधारित क्वेश्चन भी करवाए आपको, अबाउट 5-5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। अब आपको ये फॉर्मूले यदि लर्न हो गए तो ये मानो आपका ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। तो मैं आपको आज के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि दो अंकों वाली कितनी संख्या, दो अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं, जिनमें 7 का भाग जाएगा। हाउ मैनी नंबर ऑफ 2 डिजिट्स आर डिवाइड बाई 7। हाउ मैनी नंबर, कितने अंक हैं ऐसे, कितनी संख्याएं हैं दो अंक वाली जिनमें 2 डिजिट आते हों और 7 से डिवाइड होती हों, मतलब उनमें 7 का भाग जाता हो। तो सबसे पहले आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि 2 अंक वाली डिजिट्स स्टार्ट कहाँ से होती हैं। 2 अंक वाली डिजिट्स स्टार्ट होती हैं 10 से होती हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे लास्ट नंबर आता है 99, जिसमें 2 अंक हैं। 100 में 3 हो जाएंगे, तो 99 2 अंक का है और स्टार्टिंग 10 से है। अब आपको इनमें वो नंबर चूज करना है जो 7 से डिवाइड होगा, मतलब जिसमें 7 का भाग जाएगा। तो 7 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, और 7 का भाग इसमें जाएगा। इसके बाद फिर आएगा कौन सा, 7 की टेबल बोलेंगे। इसके बाद में आएगा 21, इसका मतलब एपी का फर्स्ट नंबर 14, उसके बाद 21, ऐसे फिर आएगा 28, और फिर लास्ट नंबर 99 में 7 को डिवाइड नहीं कर सकते, 99 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जस्ट इससे पहले आएगा 98, तो 98 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं।
इसका मतलब लास्ट डिजिट आ गया 98। ये हमारे पास क्या बन गई, एक सी ए पी बन गई, ए पी। तो ए इज इक्वल टू 14, डी इज इक्वल टू 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7, और लास्ट है ए एन इज इक्वल टू 98। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एम्प्लाइज ए एन की वैल्यू पुट कर देंगे 98, ए की वैल्यू 14, एन की वैल्यू कंफर्म नहीं है, डी की वैल्यू 7। एम्प्लाइज 98 14 को लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, माइनस का 14 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। फिर 98 में से 14 कम कर देंगे तो आएगा कितना, 84 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये 7 है जो डिवाइड में आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 मन जा 7 और 7 टू जा 14 एन माइनस 1 माइनस 1 एन इज इक्वल टू हो गया 12 प्लस 1 तो एन इज इक्वल टू 13। तो ये हमारा आंसर आ गया। सो 13 नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं और उनमें 2 डिजिट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं आपको राइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जैसे मैंने किया है वैसे धीरे धीरे हर स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा श्योरली। ओके, क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करना है आपको, फर्स्ट है दो अंकों वाली कितनी संख्या हैं 9 से विभाज्य हैं, 9 से विभाज्य हैं। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट्स आर डिवाइड बाई 9। नंबर टू, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 12 से विभाज्य हैं, 12 से विभाज्य हैं। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट्स आर डिवाइड बाई 12। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये मैं करूँगा थोड़ा सा बताऊँगा आपको। अब की बार आ गया तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट्स, तीन अंक वाली थ्री डिजिट्स आर डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड होने वाली, 7 से विभाज्य होने वाली तीन अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले आपको सोल्व करने के लिए सोचना पड़ेगा कि तीन अंक वाली संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है। तो तीन अंक वाली संख्या 100 से, फिर 101 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104, फिर 105, 106 चलता रहेगा, लास्ट नंबर 999, 999। तो तीन अंक वाली संख्याएं 100 से प्रारंभ होती हैं और 999 पे फिनिश होती हैं। अब आपको यहाँ से ढूंढना है, वो संख्या ढूंढनी है जिसमें 7 का भाग जाता हो। तो बेटा ये 7 से डिवाइड नहीं होगी, मतलब इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी 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 नहीं जाएगा, और इसमें पूरा 7 का भाग जाएगा। तो हमको फर्स्ट नंबर मिल चुका है 105 वाला, ठीक। अब इसके जस्ट बाद उसमें 7 ऐड कर देंगे, फिर लास्ट वाला 999 से पहले 997। इनको सबको चेक करना पड़ेगा कि 7 से विभाज्य है या नहीं।
तो ये वाला सेवन अविभाज्य नहीं होगा, ये वाला शून्य से विभाजित नहीं होगा, ये वाला आप चेक करेंगे तो आपको कंफर्म होगा 994, ये नंबर है जो सेवन से डिवाइड है। ठीक है, तो आपको एपी कंफर्म हो गई। सबसे पहला है 105, फिर 112, 119 और लास्ट है 994। तो ए की वैल्यू 105, डी की वैल्यू 112 - 105 इजिक्वल टू 7, ए एन इजिक्वल टू लास्ट वाला 994। और फिर वही फॉर्मूला एन टर्म, एन पद वाला, एन वा पद, ए एन इजिक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इजिक्वल टू डी। इसमें आप पुट कर देंगे, सेल्फ सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ सोल्व करूँ क्या मैं इसको? अगर आप सेल्फ करेंगे, सेल्फ करेंगे तो बेनिफिट रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप सेल्फ करें। सेम क्वेश्चन वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एन आ जाएगा यहाँ पे, अंडरलाइन कर देंगे, आंसर आ गया। तो मैंने आपको 1 2 3 3 एपी का नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट करेंगे, एक क्वेश्चन मैं करूँगा, सेम एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एपी का तीसरा पद 12 और 50वां पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करो। इफ थर्ड टर्म इज 12 एंड 50 टर्म इज 106, देन फाइंड 29th टर्म ऑफ एपी। हमको एपी का 29th टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म, इसका तीसरे नंबर वाला टर्म 12 कंफर्म है, 50 नंबर पे आने वाला 106 है। ठीक, ये क्वेश्चन गिवन है आपको। अब हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तीसरा पद इजिक्वल टू 12, मतलब तीसरे का मतलब A3, तीन नंबर वाला 12, A3 का मतलब होता है A+2D। बता दो आपको अलग से, A1 का मतलब A2 का मतलब A+D, A3 का मतलब A+2D, A4 का मतलब A+3D। तो 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3, 1n-1 इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दे रखा है 50वां पद इक्वल टू 106, एम्प्लाइज A50 = 106, A50 का मतलब A+49D इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व 2 से A+2D इक्वल टू 12, A+49D इक्वल टू 106, दोनों इक्वेशन को आपने 9th क्लास में और 10th क्लास में भी, यदि आपने समझा हो, 9th में था बेसिकली 2 इक्वेशन सोल्व करना, एक्स एंड वाई वाली इक्वेशन है, तो आप दोनों को यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, यानी साइन बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे, तो ए से एक कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 2D है, ये प्लस का 49D है, तो माइनस का 47D बचेगा। यहाँ माइनस का 106 है, प्लस का 12 है, तो माइनस का बचेगा कितना यहाँ पे 94। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 94/47, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू डी इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड। तो A+2D = 12, एम्प्लाइज
ए प्लस टू इंटू टू इज इक्वल टू ट्वेल्व एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ट्वेल्व, टू टू जा फोर, दो को दो गुणा करेंगे चार आएंगे, चार को ले जाएंगे इधर राइट हैंड में माइनस चार, ए इज इक्वल टू बच गया आठ, हमारे पास ए भी आ गया डी भी आ गया, हमको फाइंड करना है 29 टर्म, ऊपर देखो 29, तो बताओ 29 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ए 29 इज इक्वल टू ए प्लस बोलो 28, 29 में से एक कम कर देंगे 28D, तो देख क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, ए की वैल्यू अपने पास में 8 है 28, डी की वैल्यू अपने पास कितनी है 2 है, 8 प्लस 28 टू जा 56, 56 में 8 को ऐड कर देंगे कितना हो गया 64, तो हमको ये कंफर्म हो गया कि 29th टर्म इसका 64 होगा, 29वां पद 64 होगा, अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सेल्फ सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन जो आपको सोल्व कर, सेम क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, एपी का दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 हो तो 51 पदों का योग ज्ञात करो। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रहा हूँ, दूसरा का मतलब हो गया ए टू इज इक्वल टू 14, ए प्लस डी इज इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तीसरा ए थ्री इज इक्वल टू 18, ए थ्री का फॉर्मूला अभी आया था, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 18 इक्वेशन नंबर 2, आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन नंबर 2 से ए प्लस डी इज इक्वल टू 14, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 18, दोनों को सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ए से कैंसिल हो गया, प्लस का डी है, माइनस का 2D है, माइनस का डी, प्लस के 14, माइनस के 18, माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी इज इक्वल टू 4, डी की वैल्यू रख देंगे, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 थी ए प्लस डी इज इक्वल टू 14, ए प्लस डी 4 इज इक्वल टू 14, ए इज इक्वल टू 14 माइनस 4, ए इज इक्वल टू 10, हमारे पास में ए भी आ गया है, डी भी आ गया है, और अब क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन के ऊपर देखिए, 51 पदों का योग, इसका मतलब एन का मान कितना है 51, योग का मतलब है आप योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो बताइए एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू ब्रेक इट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 51 बाई टू, एन की वैल्यू 51 ना, 51 पदों का, तो एन 51 है, टू ए का मान है 10, एन का मान है 51 माइनस वन और डी का मान है 4, फिर एम्प्लाइज 51 बाई 51 बाई टू 10 टू जा 20 प्लस 50 इंटू 4, फिर 51 बाई टू ये हो गया 20 प्लस 200, 51 बाई टू इंटू 220 और 51 टू से डिवाइड कर देंगे 110 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 5610। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों मैंने सोल्व कर दिए हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन थे, तो आप सेल्फ इनको एक बार बिना देखे सोल्व करेंगे सभी विद्यार्थी। अब आपको मैं क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद
17 हो तथा अंतिम पद 350 हो, सार्व अंतर 9 हो तब एपी में कितने पद होंगे तथा योग भी ज्ञात करो। योग भी ज्ञात करो, तो रिपीट कर रहा हूँ। इफ एपी का फर्स्ट टर्म तो है 17, मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब आप जानते हो ए, गिवन ए इज इक्वल टू 17। अंतिम यानी लास्ट टर्म, लास्ट होता है ए एन भी होता है एल भी होता है, इज इक्वल टू 350। किसने की लैंग्वेज ध्यान देना, फर्स्ट ए अंतिम ए एन लास्ट, सार्व अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस डी, डी इज इक्वल टू 9। देन ए पी में कितने पद होंगे, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए पी, यानी कि आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तथा योग यानी सम आपको एस एन भी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन का मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, क्या क्या गिवन था, फर्स्ट टर्म गिवन थी, लास्ट टर्म गिवन थी, डिफरेंस गिवन था, हाउ मेनी टर्म्स पद पूछे हैं, सम पूछा है एस एन। तो हम सबसे पहले एन फाइंड करने के लिए ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू है आपके पास 350, ए की वैल्यू है 17, एन की वैल्यू है आपके पास नहीं है फाइंड करनी है, डी की वैल्यू कितनी है 9। एम्प्लाई 17 को आप लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस मल्टीप्लाई 9। तो 350 में से 17 घटा देंगे, बचेगा 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 9, और 9 से डिवाइड कर देंगे 333 डिवाइड 9 एन माइनस 1। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 27, तो 6 9 7 63 371 एन माइनस 1 37। यहाँ पे ओनली क्या है 37 है, एम्प्लाइज एन इज इक्वल टू, इधर आ गया 37 प्लस 1 तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 38। ये हमारे पास एन की वैल्यू फाइंड हो गई, एन आ गया। अब हम आपको एस एन योग, तो एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू शॉर्ट लगा देंगे ए प्लस एल, क्योंकि यहाँ लास्ट कन्फर्म है। तो एन की वैल्यू 38 बाई टू, ए की वैल्यू अपने पास में 17 है और लास्ट है 350 एल, तो ये हो गया 19 मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देंगे 367, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6973। सेल्फ मल्टीप्लाई कर लेना, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन मैं इन वीडियोज़ में कर रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स के हैं, आपको सेल्फ करने हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान देना, आप देखने के बाद यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, इसके जितने भी वीडियोज़ बनेंगे वो आपके पास पहुँच जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखने के बाद क्या करना है, सभी को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए है। यदि एपी का 6वां पद 19 तथा 7वां पद 41 हो तो 40वां पद ज्ञात करो। आप सुनना इंग्लिश में, इफ 6th टर्म इज 19 एंड 7th टर्म इज 41, देन फाइंड द 14th टर्म ऑफ एपी। एपी का आपको 40वां टर्म पद ज्ञात करना है, ओके।
कि आपको सिक्स्थ टर्म दे रखा है, एक सेवन्थ टर्म दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी ही किया है एक क्वेश्चन से जस्ट पहले, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, ये आप सेल्फ करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको सेल्फ करने के लिए दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर टू, ये भी आपको सेल्फ करना है। इफ़ यदि एपी का तीसरा पद थर्ड टर्म, तीसरा पद फोर तथा नौवा नाइन्थ टर्म, नाइन्थ नौवा टर्म इसका कितना है माइनस एट हो, तो कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि इफ ऑफ ए पी थर्ड टर्म इज फोर एंड नाइन्थ टर्म इज माइनस एट, देन विच टर्म इज जीरो, कौन सा टर्म इसका जीरो होगा, विच टर्म। यानी आपको यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। जीरो दे रखा है, कौन है ये जीरो, ए एन है ये, ए एन कौन सा पद, ए एन इज जीरो। तो सबसे पहले ए तीसरा पद क्या होगा, ए थ्री इक्वल टू फोर, ए थ्री का मैंने बताया था आपको, रिपीट कर रहा हूँ वैसे ही, ए प्लस टू डी इक्वल टू फोर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाइन्थ टर्म ए नाइन इक्वल टू माइनस एट, ए नाइन का मतलब हो गया ए प्लस एट डी इक्वल टू माइनस एट। इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आएगी, फिर आपके पास डी की वैल्यू आएगी। ओके, फिर ए एन गिवन है जीरो, और ए एन का फॉर्मूला आप जानते हो, ए प्लस एन माइनस वन टू डी इक्वल टू जीरो। तो आप क्या करेंगे, ए पुट कर देंगे या डी पुट कर देंगे, ए को ट्रांसफ़र कर देंगे और सोल्व करके एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अंडरस्टैंड, सेल्व करेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं दो सोल्व कर चुका हूँ पहले, एक ऊपर दिया है थ्री, एक ही हो गया फोर, टोटल इस मेथड के फोर क्वेश्चन हो गए। तो आप जब कंटिन्यू फोर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जितना मैंने आज पर रख दिया है ये आप कंप्लीट कर लेना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको सोल्व करेंगे। लगभग ये चैप्टर फिनिश की ओर है।